नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर खर्च करेगी 520 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन पर लगभग 520 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ये विज्ञापन रेडियो के माध्यम से करेगी। एक दैनिक अखबार में छपी खबर के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो पर विज्ञापन तय कर रखे हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर सूचना एवं प्रचार के लिए आवंटन में कथित रूप से बढ़ोतरी करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि खुद के प्रचार पर जनता का पैसा खर्च करना भ्रष्टाचार के समान है। आतंकवाद पर भारत से चर्चा चाहता है चीन। मुंबई हमलों के सरगना जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को अवरुद्ध करने के चीन के कदम पर भारत की चिंता के बीच चीन ने आतंकवाद निरोधी संयुक्त तंत्र पर भारत के साथ चर्चा का प्रस्ताव रखा है। चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के उप महानिदेशक हुआंग शिलान ने कहा कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद के शिकार हैं और इस पर दोनों का रुख एक ही तरह का है। हम इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों का विरोध करते हैं। इसके साथ ही शिलान ने यह भी कहा कि जब बहुपक्षीय संस्थाओं में विशिष्ट मुद्दों का मामला आता है, अतिरिक्त चर्चा जरूरी होती है। मेट्रो में स्टालिन ने मारा यात्री को थप्पड़। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में चेन्नई मेट्रो में सफर कर रहे द्रमुक नेता स्टालिन ने अचानक एक यात्री को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में स्टालिन को पास खड़े व्यक्ति को थप्पड़ जड़ते देखा गया। वो व्यक्ति स्टालिन के बिल्कुल पास ही खड़ा था। उसे वहां से हटने के लिए कहा गया, लेकिन बात नहीं मानने पर उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। स्टालिन ने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि वो पास खड़े यात्री से बात कर रहे थे, लेकिन वो टिकट की कीमत कम करने के लिए काफी तेज आवाज में बोल रहा था। जेटली ने दरकिनार की कांग्रेस की धमकी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ललित मोदी विवाद को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा होने से जुड़ी चिंताओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कुछ लोग टीवी चैनल्स के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन शासन तंत्र के लिए नहीं। जेटली ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन विधेयक है और अखिल भारतीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर लागू करने संबंधी विधेयक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि कोई राजनीतिक दल वृद्धि और विकास के विरुद्ध रुख अख्तियार नहीं करेगा। वे आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी से कथित संबंधों के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग के मद्देनजर संसद का मॉनसून सत्र बाधित होने की आशंका से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।